मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम लोग यहाँ हो। एक कोका कोला फवारा, बहुत अच्छा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर शुरू करो। इस चीज के लिए तो लड़ना बनता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि इन लोगों से आगे कैसे बढ़ना है। मैं कोक के साथ पेंट करने जा रही हूँ, इस तरह से ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अरे वाह, ये एक जीनियस आइडिया है। पर कभी कभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को भी उल्टा जा सकता है। अब लिली को भी बाहर निकालना है। मेरे सारे पेंट कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? चलो, मेरे पास जो है उसी से काम चलाती हूँ। समय समाप्त हो गया लड़कियों। एमा, तुम्हारे कागज पर कुछ है या भी नहीं? और वह क्या है, एक हरा फाउंटेन? यह असली चीज की तरह नहीं दिख रहा है। अब वेंडी का काम बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। फाउंटेन मेरा है, सब मेरा है, यह तो मस्त है। मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरा तो कहना है कुछ चाल चली जाए। बढ़िया योजना है लिली। ओह, सारा कोक खत्म हो गया। हाँ, तुम्हें नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ। ठीक है, फिर मुझे अपने लिए खरीदना होगा। आपके सामने है कला के देवता। वाह, ये थॉर का हथौड़ा है। हाँ, यह वही है, और तुम सबको इसे अपने कागज पर उतारना है। यह चीज अद्भुत है। और इसका एक छोटा रूप वास्तव में इस दौर में मेरी मदद करेगा। मैं बस इसे छाप लेती हूँ और मैं सबसे आगे होऊंगी। मुझे किसी तरह की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जल्दी करो, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैं देख रही हूँ कि एमा वास्तव में बहुत जल्दी कर रही है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं इतनी तेजी से काम करूंगी कि स्पार्क आ जाए। ठीक है, सब हो गया। एमा, उधर देखो। हाँ? हाँ? अब वही पुराना उपाय, इसे बदल देती हूँ। समय समाप्त हो गया, मुझे तुम्हारी रचनाओं का इंतजार है। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा है, पर यह वह नहीं है। मेरा भी बहुत बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्पष्ट विजेता है, लिली। तुम्हारी पेंटिंग अभूतपूर्व है। विजेताओं की मंडली में तुम्हारा स्वागत है। मैं पुरस्कार के लिए आ रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके योग्य होगा। ओह, वो मैं होऊंगी। जीतने वाली तस्वीर मेरी थी और मैं यह साबित कर दूंगी। लिली, मेरे रास्ते से हटो। यह देखो। खैर, जो भी हो, मुझे यह चाहिए भी नहीं। तुम लोग लड़ो मत दोस्तों। आपका अगला विषय अब आपके सामने आने वाला है। भयानक गंध कहाँ से आ रही है? ये बहुत बुरा है। इस पाकृति को हेलो कहो, ब्लू चीज। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे भी यह मिलेगा वो भाग्यशाली होगा। मैं तो किसी हाल में भी उस सामान को नहीं छूऊंगी। मैं बस जानबूझकर एक गोला सा बना दूंगी। वैसे वह बहुत आसान था। अच्छा, ठीक।
ठीक है, इसे बिल्कुल नेचुरल बनाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लिली। खैर, तुम्हें शुभकामनाएं। हे भगवान, तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग शुरू कर दिया। खैर, कुछ बर्बाद करने में कभी देरी नहीं होती है। ओप्स। हाँ। तुमने अभी अभी मुझे एक कमाल का आइडिया दिया है, धन्यवाद। हाँ? यार, तुम क्या कर रही हो? पेंटिंग? वैसे वास्तव में मैंने कर लिया, बस हो गया, सारी रेत नीचे आ गई है। मैं डर रही हूँ, मैं जीतना नहीं चाहती। मैंने अपनी पूरी पेंटिंग पर रंग गिरा दिया था। मेरे बिंदु बिल्कुल भी चीज की तरह नहीं दिख रही है। नहीं, तुम यह गलत कह रही हो, तुम्हारा तरीका अनोखा है, बहुत बढ़िया। मुझे चीज से नफरत है। ओ, और यह सामान बस बेकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति है दोस्त। इस तरह से बोर होना बंद करो लड़कियों, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिलचस्प है। कॉस्मेटिक से भरा हुआ एक विशाल बक्सा, हाथ हटाओ लड़की। पहले तुम्हें इसकी चित्रकारी करनी होगी। मैं तो बस इसे एक बार देखना चाहती थी। मुझे यह सरप्राइज काफी पसंद आया, मैं इसे अपने घर ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पहले से ही ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, हम सब इसे लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता टक्कर की होगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं शुरू करूं। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने काम से खुश हो। कलाकारों में एक संवेदनशील आत्मा होती है और यह दुखदायी था, इसलिए मैं बदला लेने के लिए चुपके से कोई चाल चलूंगी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे अंधा कर दिया गया है। वह क्या था? माफ करना, पर किसी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था वेंडी, तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की। समय समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। ठीक है, सभी अपने ब्रश नीचे रख दो। मैंने सच में बहुत कोशिश की। और फिर भी लिली का काम तुमसे बहुत आगे है। मैं जीत गई, ये बधाई हो। मैंने इस तरह के खजाने का सपना हर समय देखा है। यहाँ बहुत कुछ है और मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ और भी डालूंगी, तुम्हें यह पसंद आएगा। हरा तो तुम्हारा रंग है, यह वास्तव में है। मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या आप सब तैयार हैं देखने के लिए कि आगे क्या मिला है? सुंदर नीला वायरलेस हेडफोन। ओह, मुझे तो यह जरूर लेना है। मुझे बस इतना पता था कि आप सभी को यह पसंद आएगा। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने काम पर लगना है, मुझे जीतना ही होगा। मैं इस बार असफल नहीं होऊंगी, इस बार नहीं, मुझे वो लेना ही है और इसके लिए मुझे एक मास्टरपीस तैयार करना होगा। ओह, मुझे मिल गया, सादा पुराना तार वाला हेडफोन मुझे इसे बनाने में मदद करेगा। यह एकदम सही है। एम आप तक बहुत बेहतर कर रही है। ओ यार नहीं, और अब मेरी पेंसिल टूट गई है। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए। एमा सही कह रही है, शांत हो जाओ। सही एंगल बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सब समाप्त कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी किया है तो भी मुझे रोकना होगा। मुश्किल चुनाव है, पर सच कहूं तो उतना भी नहीं। एमा, अच्छा किया।
धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत कोशिश की थी, हम बस किस्मत वाले नहीं निकले। मुझे मेरा हेडफोन अभी दो। पकड़ो एमा। हाँ, ये तो विशाल आकार के हैं। तुम्हारे बड़े सिर के लिए एकदम सही आकार। मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगी, मैं इसका इस्तेमाल स्पीकर की तरह करूंगी। यह कोई बुरा तरीका नहीं है। और इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण क्षण एक क्राउन के रूप में आता है। यह मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना है कि मुझ पर अच्छा लगेगा। हम इसका पता जल्दी लगा लेंगे, पर पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। मैं लाल रंग के रत्न मेरे त्वचा के रंग पर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे ही अंत में इसे पहनना है। इस तरह के ड्राइंग के साथ तो मेरी ऐसी संभावना नहीं है एमा। तुम दोनों भी आराम से रहो, तुम लोग हारने वाली हो। तुम मुझे डराओ मत, खास करके तब जब मेरे पास एक गुप्त हथियार है, यह ग्लिटर। और यह रहा, इस चीज के साथ अब सब तैयार है। मैं अभी भी लिली के लिए जश्न नहीं मनाऊंगी, मेरा ताज बिल्कुल असली दिखेगा। अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। हम सब तैयार हैं। चलो देखते हैं। एमा, इस तस्वीर से मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई, और अब दूसरी ओर लीली के ड्राइंग ने मेरा दिल जीत लिया है। और दुख की बात है कि वैंडी की रचना की इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। लीली, धन्यवाद, मुझे पता था मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम इस पूरी प्रतियोगिता की रानी हो। अरे वाह, ये सब कितना अद्भुत है। वाह, मैं भी रानी की तरह दिखना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि मेरे पास अपने लिए क्राउन है। कागज की ड्रेस, यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाँ, शायद तुम्हें यह अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए था। हम तैयार हैं, और यहाँ हमारा भोजन है। वाह, मुझे पहले ढक्कन हटाने दो। वाह, चॉकलेट 10 में से 10। तुम बहुत भाग्यशाली हो जैक, मुझे नट्स के साथ चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे यकीन है वह निराश नहीं करेगा। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बिल्कुल, यह सिर्फ दिव्य है। नट्स मेरे मुंह में कितने अच्छे से क्रंच कर रहे हैं। वाह जैक, मुझे भी दो प्लीज। मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, माफ करना मैरी, अपनी थाली खोलो। अरे नहीं, या नहीं, बदबूदार खराब चीज। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, कुछ करो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बस इसे ले लो और इसे जल्द से खा लो। मैरी चलो। जैक, लेकिन मैं नहीं चाहती, ये चीज बहुत ही घिनौना लग रहा है, मुझे उल्टी हो जाएगी। अगर कुछ होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भयानक स्वाद, लेकिन यह संभव नहीं है, तुम्हें यह सब खाना होगा। मैरी, मुझे माफ कर दो, पर तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम क्या कर रहे हो जैक? मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे करना था। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं पूरा हरे रंग की हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे डकार आ रही है। छी, कितना खराब, अब हमारा दम घुट जाएगा। तुम सही हो मोनिका, मैं अब और सांस नहीं ले सकता। मेरे पास एक आइडिया है, हमें बस अपनी नाक पर एक कपड़े की पिन लगाने की जरूरत है, इस प्रकार से। ऐसा लगता है कि बदबू कम हो गई है, मैं लौटने की कोशिश करूंगी। यह देखने का समय है कि मुझे क्या खाना मिला है। वाह, चिप्स, बढ़िया है। अंत में कुछ अच्छी खबर, यह मेरे चिप्स को देखने और उन्हें खाने का समय है। गुड लक मोनिका। वाह, मोनिका को चिप्स मिल गई, बधाई हो। ये एकदम सही दिख रहे हैं, मुझे पता था कि गोल खाना मुझे निराश नहीं करेगा। एक सेकंड रुको,
लेकिन यह पूरा गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक वास्तविक गोल कैसे दिखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रही है, अब तुम खुद देख लोगे। यह कैसे संभव है ना, यह बहुत खूबसूरत। इसे खाने का सपना भी मत देखो, सभी चिप्स मेरे हैं। अब ये निश्चित रूप से एक वास्तविक सर्कल की तरह दिखते हैं, तो वे मेरे और केवल मेरे हैं। कितना कुड़कुड़ा, बढ़िया, मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट है, तुम सही हो, यह स्वादिष्ट है। मोनिका इस बार शुरू करेगी। कैक्टस, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो बहुत कांटेदार है, मैं इसे कैसे खाऊं? बेचारी, इस बार तुम बहुत बदकिस्मत रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बॉन एपिटेट, मैं यह भी नहीं जानती कि इसे छूना कैसे है। ओह, कांटा चुभ गया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है कि मेरे पास एक शानदार आइडिया है। बस सभी कांटों को छोटी कैंची से काटने की जरूरत है। अच्छा आइडिया मोनिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। खैर, अब कैक्टस इतना डराने वाला नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन कांटों के बिना यह वैसे भी बेहतर है। कितना कड़वा, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है, यह असली बकवास है। अब मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकती। माफ करना, यह बहुत ही बेस्वाद है। मोनिका जल्दी करो, तुम्हें देख के गंदा लग रहा है। बस हो गया, मैं कर चुकी हूँ, अब तुम जैक। मुझे आशा है कि कैक्टस नहीं है। वाह सैंडविच, यह अच्छा आश्चर्य है। मैंने कहा चौकोर खाना सबसे अच्छा है, अब तुम ये खुद देख सकती हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में एक जेंटलमैन की तरह कैसे खाया जाता है। मैं एक नैपकिन रखूंगा ताकि मैं गंदा ना हूँ। खैर, अब यह खाने का समय है। ओ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ और भूल गया हूँ, मुझे कटलरी चाहिए। एक कांटा और एक चम्मच ठीक काम करेंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सॉस। केचप के बिना सैंडविच मजेदार नहीं होगा, मैं इसे बहुत रसदार बनाने के लिए और ज्यादा डालूंगा। मेरी जीभ में पानी आ रहा है। जैक जल्दी करो प्लीज। जैसा तुम कहो मोनिका, देखो मैंने शुरू कर दिया है। पर सैंडविच का एक टुकड़ा काटना इतना आसान नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? इसके लिए तुम एक चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें चाकू की जरूरत है। हमें उसकी मदद करनी होगी मैरी, मुझे लगता है कि ये तेज होगा। विरोध मत करो जैक, अपना पूरा मुंह खोलो। यह क्या किया तुमने? मैं हर बाइट के मजे लेना चाहता था, हालांकि यह बहुत तेज निकला। धन्यवाद। अब मैरी, आइसक्रीम कोन, मुझे बताओ, मैं सपना नहीं देख रही हूँ, वो कितना स्वादिष्ट है, मैं बस खुश हूँ। सॉरी मैरी, लेकिन आइसक्रीम एक असली सर्कल की तरह दिखती है, तो मुझे खाना पड़ेगा। कितना स्वादिष्ट है, वाह। तुम क्या कर रही हो मोनिका, रुको, यह मेरा खाना है। और अब यह त्रिकोणीय हो जाएगा। मैं सिर्फ हेयर ड्रायर लूंगी और आइसक्रीम पिघलाऊंगी। वाह, यह पिघल कर कोन की तरह आकार ले रहा है। हाँ जैक, यह सही है, यह मेरी योजना है। तैयार, अब यह सब मेरा है। तो यह कैसा है मैरी, स्वादिष्ट? ओ, यह शानदार है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा खाना। कितनी लालची हो, तुम मुझे आइसक्रीम दे सकती थी, मुझे और जैक को थोड़ी सी तो दे सकती थी। बहुत देर हो गई, मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। नया खाना, वाह, मैं पहले खोलती हूँ। बर्गर, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार मुझे अच्छा खाना मिला, बहुत रसदार, बहुत बढ़िया। जब बर्गर में बहुत सारे टॉपिंग होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे पूरा खा जाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मोनिका, तुम बहुत गंदे तरीके से खा रही हो। ओ, कॉकरोच, यह सब तुम्हारे कचरे की वजह से हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ इधर बैठ जाओ। कॉकरोच, बचाओ, मुझे कॉकरोच से नफरत है, कोई यहाँ से हटाओ। मोनिका, अब कभी मेरे ऊपर खाना मत फेंकना, समझी? माफ करना मैरी, कॉकरोच को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ। अब कुछ और करने का समय है, जैसे कि मेरा खाना। जरा देखो यहाँ कितने गम है।
और इसका आकार देखो, सही चौकोर। अब इसका स्वाद लेने का समय आ गया है। मुझे निश्चित रूप से अब इस रैपर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक मुंह में, तुम्हें मानना होगा मैं बहुत अच्छा हूँ। जैक बस बहुत हो गया, मान लो तुम मुझसे सिर्फ ईर्ष्या कर रही हो। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा। देखो दो च्युइंगम, और अब मैं उन्हें इस तरह अपने मुंह से पकड़ लूंगा। कितना अद्भुत है, शाबाश। मेरे पास शब्द नहीं है, और वो सब कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाकी च्युइंगम मैं आसानी से अपने मुंह से पकड़ सकता हूँ। हो गया, अच्छा है ना? अरे तुमने देखा क्यों नहीं, मैंने ये सब विशेष रूप से तुम्हारे लिए किया है। शायद एक बड़ा बबल तुम्हें चौंका देगा। अब मैं इसे फुलाऊंगा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। गहरी सांस लेकर फिर से कोशिश करने की जरूरत है। बस एक सेकंड, मैं बस गम को बेहतर तरीके से चबाऊंगा। अरे नहीं, मैंने इसे थूक दिया, यह गलती से हुआ। ठीक है, मैं दिखावा करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम्हारी बारी मैरी। आखिरकार मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। नाचोस, बहुत अच्छा, कितने सुंदर और स्वादिष्ट त्रिभुज। मुझे लगता है कि मुझे एक बार में खा सकती हूँ। बस हो गया, बहुत स्वादिष्ट। मुझे अफसोस की बात थी कि मेरा हिस्सा इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैरी, जब तुम खा रही थी तुम्हारा चेहरा त्रिकोण जैसा हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेरा शेप है। मॉम, वाह पिज्जा, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट सर्कल है। तुम लोगों को क्या मिला है? मेरे पास सूखे नूडल्स का एक पैकेट है। सच कहूँ तो मुझे कुछ बेहतर चाहिए था। और मेरे पास ताजा बेरीज के साथ केक का एक टुकड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ, वो कितना सुंदर है। मैं पहले स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। देखो इसमें एक त्रिभुज का आकार है। मोनिका, इसे खाने के बारे में सोचना भी मत, यह मेरी बेरी है। वो बहुत रसदार और पकी हुई है। बहुत बढ़िया, तुम्हें चाहिए? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि वह मेरी है। मैरी, हमें चिढ़ाना बंद करो। जैक, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लो इसे खाओ। वैसे नहीं, माफ करना, मेरी पहले ही खत्म हो चुकी है। यह सही नहीं है मैरी, हम इस तरह के खेल नहीं खेलते हैं। अब केक को खाने का समय आ गया है। ओह कितना मुलायम है, इसमें कितनी क्रीम है, ठीक उसी तरह जो मुझे पसंद है। यह स्ट्रॉबेरी से भी बेहतर है, मैं रुक नहीं सकती। वो कम से कम हमारे साथ केक शेयर कर सकती थी। माफ करना लेकिन केक खत्म भी हो गया है, देर हो गई। अपना खाना खाओ। और अगला कौन है? ओ ऐसा लगता है कि यह मैं हूँ, पूरी तरह भूल गई। खैर मैं तैयार हूँ, इसके अलावा पिज्जा ठंडा हो रहा है। यह वापस दो, यह मेरा है। इसे देखो, यह टुकड़ा त्रिकोणीय है, इसलिए मुझे इसे जरूरी खाना चाहिए। मैरी, यह सही नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। सॉसेज के टुकड़े गोल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे निश्चित रूप से मेरे हैं। कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा, मुझे पेपरोनी पसंद है। अच्छा है कि बहुत सारे हैं। एक टुकड़ा और फिर दूसरा टुकड़ा, मैं खुश हूँ। खैर पेपरोनी खत्म हो गई है, अब ये पिज्जा तुम्हारा है। मैरी तुम उसे ले सकती हो, लेकिन सॉसेज का एक भी टुकड़ा नहीं बचा है। मुझे यह पिज्जा पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ, या तुम लोग कुछ करने वाली हो? ओ मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने नूडल्स को खाने का समय आ गया है। मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत है, पैक भरा हुआ है, खोलने और जांचने की जरूरत है। यह क्या हुआ? जैक तुमने पैक फाड़ दिया, तुम्हारी वजह से हम सब नूडल्स में ढके हुए हैं। माफ करना यह गलती से हुआ है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा है कि पास्ता फैक्ट्री में धमाका हुआ है। हाँ वो तो है, अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मुझे स्वाद पसंद आए। हाँ अच्छा है, मैं खुश हूँ। एक बार में 10 मिर्च नहीं, मुझे तो एक से भी डर लग रहा है। तुम लोगों ने अभी तक मेरा हिस्सा नहीं देखा है। 100 तीखी मिर्च, उफ भयानक। हिम्मत से काम लो, हमें यह करना होगा। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। यह रहा, मुझे लगता है मैं ज्यादा ही आश्वस्त हो गई थी। Oh my God! मोनिका अब तुम्हारी बारी है इसे झेलने की। Yes. क्या तुम्हें देखना जरूरी था एमा?
असल में मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे एक स्मूदी बनाऊंगी और जल्दी से पी जाऊंगी। पता नहीं यह कैसा होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके सब उतनी जल्दी एक साथ मिला दूंगी। हो गया। Stop! रुको मोनिका, तुम कुछ भूल रही हो। यह रहा, अब अपने ड्रिंक के मजे लो। यह छाता रास्ते में आ रहा है। बहुत तेज, शाबाश। अब गर्मी बढ़ रही है। आग लगी है। यह असली फायर शो की तरह था मोनिका, और इसका मतलब है कि मैं सोच रही थी कि तुम लोग भूल जाओगी कि मैंने अभी तक नहीं खाया है। ओह चलो भी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। आगे बढ़ो और अपना मुंह खोलो। और यह एक और, दूसरा। बस बहुत हो गया। ओह शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। यह अजीब है। और चाहिए? धन्यवाद एमा, पर मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तुम लोग बाकी का ले सकती हो। ओ नहीं, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। नींबू की इस पहाड़ के बारे में सोचकर ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझ पर हंसना बंद करो और अपना खाओ। ओ, इतना ज्यादा खट्टा से मेरी हालत खराब हो रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम पहले की तरह खुश नहीं हो। मोनिका अब तुम शुरू करो। दोस्तों देखो क्या वहाँ एक चिड़िया है। अब वो उधर है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरे जाल में फंस गई है। मुझे इनसे जल्दी छुटकारा पाना होगा। यह क्या? आह नींबू। कितना खट्टा। पता नहीं मैंने इतना सब कैसे संभाला। okay. लगता है कि मुझे पता है कि यह कहां से आ रहा है। मैं अभी वापस आती हूँ। शायद तुम्हारा कुछ खो गया है। यह लो। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद सुजी, मेरा हो गया। एमा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर अब तुम्हारी बारी है। इतना सारा नींबू का रस। चबाओ चबाओ चबाओ। दूसरा लो। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन धन्यवाद। मैं भी भाग लेना चाहती हूँ। अब तुम लोगों की वजह से मैं एक नींबू के पेड़ में बदल गई हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखो, ओ बबल गम। वाह, मुझे ये पसंद है। यह और कुछ भी है। मुझे यह साइज बहुत अधिक पसंद है। अद्भुत। मुझे लग रहा है कि कुछ खास मेरे लिए इंतजार कर रहा है। देखो यह कितना विशाल है। अब बातचीत बहुत हो गई। चलो शुरू करते हैं। खट्टा सेब मुझे पसंद है। लगता है मोनिका बस खाने में खो गई है। मुझे इसे बाहर कर देना चाहिए। ये मेरे मुंह में क्या आ गया? एक बग। हटो यहाँ से। इसे तुम्हें मुझ पर ही फेंकना था। यह जानना चाहिए कि कब झुकना है। आशा है कि यह गम मेरे मूड को खुश कर देगा। अरे हाँ यह बेहतर है।
मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। यह कमाल का है। मुझे यकीन है कि मेरा हिस्सा और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। क्या तुम लोग देख रही हो कि कितना है और इसमें अनानास का स्वाद है। तुम इतना सारा नहीं खा पाओगी एमा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यह संभाल लूंगी। क्या तुम लोग एक विशालकाय बबल को देखने के लिए तैयार हो? तो फिर देखो। बहुत अच्छा है ना? यह वास्तव में मजबूत है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। अब मैं इसे और नियंत्रित नहीं कर सकती। इसे मुझसे दूर रखो। माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है। कितना प्यारा पॉपिट है। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें केवल एक मिला है। मेरे कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है ना? What? मुझे लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मुझे अपने पॉपिट के साथ खेलने का बहुत मन हो रहा है, इसलिए क्या? चॉकलेट। ओह, मेरा खाने योग्य है। मिल बांट कर खाना सीखना चाहिए। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब सब खत्म हो गया। और यह प्लेट मेरी है। मुझे तुमसे और किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। शायद मोनिका शेयर करे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? इसे खा नहीं सकते। मेरे पास खेलने के लिए असली खिलौने हैं। बहुत बढ़िया। वह क्या कर रही है? धैर्य रखो दोस्त, तुम जल्दी देखोगी। एक पॉपिट क्यूब। ये एक आधुनिक चमत्कार है। बहुत बढ़िया। वाह, तुम लोगों को मेरी प्रतिभा की कद्र ही नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए है। What? और बहुत सारे और आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे चाहिए। शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। मुझे पता था कि मुझे भूखा नहीं छोड़ा जाएगा। ओह, यह गमी ट्रीट है। मुझे भी बेकार क्यूब नहीं चाहिए, मुझे भी गमी कैंडी चाहिए। अरे, यह सब मेरा है। तुम पीछे हटो, यह मेरा है। ठीक है, बाय। हमारे लिए अभी भी बहुत सारे हैं। मैं यह भी ले रही हूँ। इसे कहते हैं बड़ा बर्गर। मेरे पास बहुत सारे हैं। तुम्हारी कौन परवाह करता है? देखो, मात्रा नहीं बल्कि स्वाद मायने रखता है। और मुझे विश्वास है कि मेरा बर्गर लाजवाब होगा। मैं इसे खाने जा रही हूँ। ओह, इसमें से कुछ गिर गया। आखिरकार मेरी बारी। ये बर्गर इतने बड़े और भारी है कि इन्हें नहीं पकड़ पा रही। इन्हें खाने के लिए मुझे बेहतर तरीका अपनाना होगा। ध्यान से चुभा मत देना। मेरे पास करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं। अब यह बर्गर कबाब की तरह लग रहा है। बहुत अच्छे से किया। सब हो गया। उफ, मुझे इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यह आसान नहीं होने वाला है, पर यह स्वादिष्ट जरूर होने वाला है। तुम जंगली जानवर की तरह खा रही हो। मुझे अभी स्वाद लगा है। तुम ठीक तो हो ना? अपनी प्यारी तोंद को देखो। मुझे ये पसंद है। मुझे अकेला छोड़ दो। पिज्जा,
इसे शुरू करने का कितना शानदार तरीका है। तुम्हें तो इतना थोड़ा सा टुकड़ा सा मिला है, पर मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। ज्यादा बड़ा जरा कर मत बोलो जैक, जरा इधर देखो। खैर जो भी हो, मुझे तो बड़े जोड़ों की भूख लगी है। जैक मुझे चाकू दो, यह मेरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। एक पिज्जा रोल, क्या पहले कभी ऐसा देखा है? यह बहुत स्वादिष्ट है, कमाल का है। मैंने कर लिया, अब मेरी बारी। मेरे मामले में तो चाकू के बिना नहीं कर सकते, इससे करना तो बेकार है। यह अच्छा है कि मैं अपने साथ एक आरी लेकर आया हूँ। तुम मुझे डरा रहे हो। अरे शांत रहो, मैं बस पिज्जा काट रहा हूँ। वाह, दिव्य इटालियन खाना, इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। चलो अब इसे देखो, मुझे चाकू की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, तुम सही कह रहे थे, कितना बढ़िया नाश्ता था। इतने बड़े पेट के साथ तुम किसी भी दरवाजे से पार नहीं कर पाओगी। एक कुकी, ये कितना कम है, यह किसी भी चीज से अच्छा है। तुम सही कह रहे हो, कम से कम उसे खाओ। जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ओरियोस बहुत पसंद है, तब फिर तुम्हें मेरा यह बहुरंगी और बहुत सारी परतों वाली कुकीज बहुत पसंद आएगी। बस एक ही समस्या है कि मुझे लगता है कि पर्याप्त दूध नहीं है। यह बहुत मीठा है, जल्दी से दूध पी लेती हूँ। जायके का सही संयोजन। अब समय है यह पता लगाने का कि इस छोटे बक्से में क्या छुपा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। वाह, कितना विशाल कुकीज, और यहाँ फिट कैसे हुआ? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं एक ही बार में इसे खाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें गम मिला है और मुझे नहीं। मेरा मतलब है कि मेरे पास भी बहुत कम है। लगता है कि इस बार मैं भाग्यशाली निकली। हाँ, तुम एक बार फिर से ऐसा कह सकती हो। ठीक है, मैं एक गम चबाती हूँ। मैं इसे जल्दी से नहीं चबा सकती। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। अब बबल बनाने का समय। यह बहुत अच्छे से बना, यह उड़ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? शायद गम कहीं छुपा हुआ है। हाँ, यह वहाँ है। आखिरकार किस्मत मेरे पर मेहरबान हुई है, मुझे इसे तुरंत खाना चाहिए। वाह, इतनी जल्दी! तैयार हो जाओ एक विशाल बबल के लिए। शायद रोकना बेहतर होगा, मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं गम में पूरी तरह से ढक गया हूँ। हाँ, सभी को एक हॉट डॉग मिला है, अजीब है, क्या वो मस्टर्ड सॉस है? चलो पता लगाते हैं। मैं तैयार हूँ पहले जाने के लिए, मुझे शुभकामनाएं दो। स्वादिष्ट, थोड़ा सूखा है पर पानी के साथ ये एकदम बढ़िया है। अब तुम्हारी बारी। मुझे थोड़ा ज्यादा सॉस मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखा नहीं है, तो मैं थोड़ा और डालूंगी। आशा है कि मैंने ज्यादा नहीं डाल दिया हो। अरे नहीं, मैंने बड़ी गलती कर दी। ओह, अब ठीक है। अब तुम्हारी बारी जैक। मैं कबूल करता हूँ कि तुमने मुझे थोड़ा डरा दिया है, पर अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है।
मुझे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा, पर मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं अपने आप को जला न लूं। बचाओ, जरा रुको, मेरे पास आग बुझाने वाली मशीन है। बहुत बहुत धन्यवाद एमा, तुमने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे मदद के लिए हाजिर रहूंगी मेरे दोस्त। ये गमी आंखें लग रहे हैं। जी मैडम, ये है, जरा देखो कितने सारे हैं। क्या लाल आंख मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसा रहता अगर मैं एक समुद्री डाकू होती? मैं शर्ट लगाकर कह सकती हूँ कि ऐसा दिखता। मैं डाकू एमा, लाल आंख वाली डाकू। इन सारे हंसी मजाक के बाद तो मुझे सच में भूख लगने लगी। और यह रहा, मिशन पूरा हुआ। मुझे अब इस पट्टी की जरूरत नहीं है। यह समय है मुझे अपनी ताकत को फिर से समेटने का। तुम बहुत स्मार्ट हो जैक। हाँ अभी भी होगा, सटीकता और प्रतिक्रियाओं की गति मेरी ताकत है। अंत में एक विशेष चाल। हो गया, मैंने एक बार में दो आंखें पकड़ी। मुझे यकीन नहीं कि मैं इसे फिर से कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक और योजना है। मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। अपना मुंह बड़ा सा खोलो और इन गमीज को पकड़ो। जैक, तुम बार बार अपना निशान कहाँ चूक रहे हो? तुम्हारी सटीकता कहाँ गई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर कुछ गलत हो गया है। कितने प्यारे पैनकेक हैं, और इसके क्रस्ट भी कितने कुरकुरे हैं। काश मैं इसे खा पाती। चिंता मत करो एमा, तुम हमें खाते हुए देख सकती हो। चलो शुरू करते हैं। व्हिप्ड क्रीम पूरी तरह से पैनकेक के साथ जाते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरे पास इससे बेहतर कुछ है, चॉकलेट सॉस। ओके। अच्छा आइडिया है, अब मैं तुम्हारे पैनकेक के ऊपर इसको डालता हूँ। मैं गलत नहीं थी, यह लाजवाब है। शायद तुम्हें एक और सॉस भी पसंद आए, जैसे कि टबैस्को। मेरा आखिरी पैनकेक कहाँ है? मैं इसे खुशी खुशी खाऊंगी। आह, कितना तीखा है, मैं तो जल ही जाऊंगी। यह क्या है? देखो मेरी किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान है। जैक, मुझे व्हिप क्रीम देना। हाँ अब खाना शुरू करो, खुशी खुशी जैक। जैक, मुझे और ज्यादा क्रीम की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। अब समय है तुम्हें सबक सिखाने का। देखता हूँ तुम्हें यह शेविंग क्रीम अपने नाश्ते के साथ कैसा लगता है। धन्यवाद जैक, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। कितना खराब, क्या पसंद नहीं आया? ठीक जैक, बुरा नहीं है। हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, और बहुत सारे टिक टैक तो और भी बेहतर हैं। चलो इन्हें खाते हैं। यह सच है कि मेरे पास केवल एक कैंडी है। यह स्वादिष्ट है लेकिन बहुत कम है। अच्छी बात है कि मेरी किस्मत आज मेरा साथ दे रही है। वाह, मेरे पास अलग अलग तरह के कई स्वाद हैं। मैं इन सबको एक बार में खाऊंगा। अच्छा आइडिया है। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। जरा हटो, मुझे बहुत सारी जगह चाहिए। कितने सारे चटक रंग है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो और बहुत सारे डालो जैस। अब इसे खाने का समय। देखो मुझे, मैं कैसे करने वाली हूँ।
और यह आखिरी कैंडी। बस सब हो गया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह लग रही हो। बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास सुपर फ्रेश सास है,